अगर मेरा इंटेंशन वही था, इफ दैट्स व्हाट आई वांटेड, तो आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ. बट आई हैव डिक्लाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरव्यूज, आई हैव डिक्लाइंड गोइंग ऑन द शो, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज ओनली बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माइन एंड समबडी एल्सेस पर्सनल लाइफ. बिग बॉस 17 इस बार इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आया है कि कंटेस्टेंट्स भी हर मोमेंट शॉक में ही रहते हैं कि कब गेम पलट जाए, वो फैमिली वीक हो, वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री या फिर वीकेंड के वार का खौफ. लेकिन इन सब से ऊपर है बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी और आयशा खान के एक्सपोजिंग बैटल का गेम. आयशा की जब से घर में एंट्री हुई है तब से उन्होंने मुनव्वर को हफ्ते दर हफ्ते एक्सपोज ही किया है कुछ ना कुछ नई डिटेल्स के साथ. मुनव्वर के तीसरे रिश्ते की बात हो, उनका डबल डेट करना हो या फिर लास्ट वीक नाजिला पर ब्लैकमेल करने का ब्लेम डालना, मुनव्वर की पर्सनल लाइफ अब कॉन्ट्रोवर्शियली पब्लिक हो चुकी है. और उनके साथ इस कंट्रोवर्सी में जुड़ी हुई हैं नाजिला, जिन पर मुनव्वर ने ब्लैकमेल और नाजिला का मुनव्वर पर चीट करने का इल्जाम लगाया है. और अब इसी इल्जाम को क्लियर करने के लिए नाजिला ने भी एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने अपने एंड की स्टोरी बताई. तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार नाजिला की साइड की स्टोरी है क्या और मुनव्वर के बारे में अब क्या नया सुनने को मिलेगा. लेकिन नाजिला की गवाही सुनने से पहले अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हर जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए. आयशा खान ने बिग बॉस में आने के बाद मुनव्वर पर कई इल्जाम लगाए, उनका टू टाइमिंग करना, बाहर शादी के लिए रिश्ता देके आना और नाजिला पर चीट करना. आयशा ने ये भी बताया कि वो नाजिला के साथ कांस्टेंट टच में है और उन्होंने ही आयशा को ये सब बताया. बिग बॉस की इस गर्मा गर्मी के बीच नाजिला सताइशी ने फाइनली अपने साइड की स्टोरी सामने रखते हुए अपने इंस्टाग्राम पर 4 मिनट की वीडियो डाली जिसमें उन्होंने सब क्लैरिफाई किया. नाजिला ने अपने वीडियो की स्टार्ट में आयशा की तरफ हिंट करते हुए बताया कि उन्होंने इमोशनली वल्नरेबल होते हुए कुछ पर्सनल डिटेल्स आयशा के साथ शेयर करी और उनको अंदाजा नहीं था कि आयशा उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इस तरह नेशनल टेलीविजन में रिवील कर देंगी. और उन्होंने कहा, आई डोंट अप्रिशिएट माई नेम बीइंग ड्रैग्ड लाइक दिस फॉर द शो, स्पेशली व्हेन आई एम नॉट देयर. नाजिला आयशा से साफ नाराज थी जिस तरह उन्होंने उनके साथ शेयर करी हुई इन्फॉर्मेशन बिग बॉस में सबको बता दी. उन्होंने कहा कि अगर उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन बतानी ही होती वो खुद ये कर सकती थी और ना ही आयशा के जरिए बताती. वो अपनी पर्सनल लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहती थी और कहीं ना कहीं मुनव्वर की भी. नाजिला ने वीडियो में आगे बढ़ते हुए मुनव्वर की तरफ इशारा किया और बोला कि मुनव्वर एक ऐसे इंसान है जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी बातें फ्लिप कर देते हैं. उन्होंने वीडियो में मुनव्वर की फ्लिप स्टोरी के ऊपर कहा, आई डोंट रियली अप्रिशिएट सम ऑफ द थिंग्स दैट वर सेड अगेंस्ट मी व्हिच वर नॉट ट्रू. It doesn't make any sense how that person can claim that they are scared of someone who is 10 years younger than them, especially when they were seen crying over the fact that they were going to lose me and has said things that he wants to repair things with me and he knows somebody who would have never done such things, that is Nazila. Then the next week, he conveniently flips his story to defend himself, make me look like a bad person and make it look like he's terrified of the fact that I'm going to make these things public when he himself said it a week ago and that I wouldn't do it. नाजिला ने क्लियर किया कि मुनव्वर कैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टोरी चेंज कर देते हैं और उन्होंने मल्टीपल ओकेजंस में नाजिला का नाम इस्तेमाल किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए. नाजिला ने ये भी कहा, आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप एंड एज यू ऑल नो रिलेशनशिप्स में झगड़े होते हैं एंड इवन आई कैन यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट हिम व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू, स्पेशली नॉट इन हिज एब्सेंस, बट ही डिडंट हेजिटेट इवन वंस बिफोर पुटिंग एवरीथिंग ऑन मी. लेकिन मुझे अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं करना है. नाजिला ने एंड में बोला कि उन्हें अननेसेसरली मुनव्वर के साथ इस इशू में नहीं पड़ना और वो चाहती हैं ना ही उन्हें इन सब में ड्रैग किया जाए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं. आपको क्या लगता है, नाजिला का क्लैरिफिकेशन सही था या फिर वो भी लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हर जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें.